हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू ABC एप्टीट्यूड बूस्टर क्लास वेर यू लर्न एवरीथिंग फ्रॉम बेसिक्स। तो आज हम वोकैब डिस्कस करेंगे। मेरा नाम आशुतोष कुमार है और आप अपकमिंग SBI क्लर्क प्री के एग्जामिनेशन के लिए इस बुक को अमेजन से परचेज कर सकते हो। इस बुक के रीजनिंग का कंटेंट मैंने डेवलप किया है, इसमें टोटल 15 प्रैक्टिस सेट्स हैं सॉल्यूशंस के साथ। तो आप इसे डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करके परचेज कर सकते हो। चलिए वोकैब डिस्कस करते हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहला वर्ड है अकॉर्ड। ये नाउन की तरह भी यूज़ होता है, वर्ब की तरह भी यूज़ होता है। तो इसका मीनिंग, जब ये वर्ब की तरह यूज हो तो होता है टू गिव समथिंग सच एज स्पेशल ट्रीटमेंट और स्टेटस टू समवन और समथिंग। नाउन की तरह यूज होगा तो इसका मीनिंग क्या होगा, अ फॉर्मल और ऑफिशियल एग्रीमेंट। आप इसे इस पिक्चर से रिलेट कर सकते हो। यहाँ पे दो कंट्री आपस में एग्रीमेंट साइन कर रही है और आपस में हाथ मिला रही है, तो ये क्लियर है। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, ही वॉज अकॉर्डेड सर्टेन फेवर्स बिकॉज ऑफ हिज एज। द टू साइड्स वर एबल टू रीच एन अकॉर्ड। यहाँ पे एक एग्जाम्पल में ये वर्ब की तरह यूज हुआ है और दूसरे एग्जाम्पल में नाउन की तरह यूज हुआ है। आपको बताना है कि किस एग्जाम्पल में ये वर्ब की तरह यूज हुआ है और किस एग्जाम्पल में नाउन की तरह यूज हुआ है। तो जो भी आंसर होगा आप नीचे कमेंट कर दो। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, चेक, एग्री, आंसर, ट्रीटी, एलियंस, पैक्ट। एंटोनिम क्या हो जाएगा, डिफर फ्रॉम, डिसअग्री विथ, कन्फ्लिक्ट, डिसएग्रीमेंट। ये क्लियर है। अब चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है एविडेंट। एविडेंट एक एडजेक्टिव है। इसका मीनिंग क्या होता है, क्लियर टू द साइट और माइंड। आप इसे इस पिक्चर से रिलेट कर सकते हो। यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी लिखा हुआ है। अगर कोई भी चीज़ ट्रांसपेरेंट होता है तो उसके थ्रू जब हम देखते हैं तो हर चीज़ क्लियर दिखता है। तो ये क्लियर है। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, सी स्पोक विथ एविडेंट एंग्विश अबाउट द डेथ ऑफ हर सन। सिनोनिम हो जाएगा अज्यूम्ड, अपेरेंट, ऑस्टेंसिव, रेप्यूटेड, सपोज्ड। एंटोनिम क्या हो जाएगा, एम्बिगियस, क्लाउडेड, क्रिप्टिक, एनिग्मैटिक। ये क्लियर है। अब चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है ड्वेल। ये एक वर्ब की तरह यूज होता है। इसका मीनिंग क्या होगा, टू लिव इन अ पार्टिकुलर प्लेस। आप इसे इस पिक्चर से रिलेट कर सकते हो। यहाँ पे पक्षी है जो एक लकड़ी के डब्बे में होल बना हुआ है और उसमें रह रहा है। नाउन क्या हो जाएगा, ड्वेलर। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, अ केव वेयर बैट्स ड्वेल। सिनोनिम क्या हो जाएगा, स्टे, हैंग अराउंड, रिमेन। एंटोनिम क्या हो जाएगा, बेल, बेल आउट, डिपार्ट, एग्जिट। तो ये क्लियर है। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है स्कार्स। ये एडजेक्टिव की तरह भी यूज होता है, एडवर्ब की तरह यूज होता है। तो जब ये एडजेक्टिव की तरह यूज होता है तो इसका मतलब होता है वेरी स्मॉल इन अमाउंट और नंबर, और एडवर्ब की तरह यूज होगा तो ऑलमोस्ट, नॉट एट ऑल। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, फूड वॉज गेटिंग स्कार्स ड्यूरिंग द ड्रॉट। और यहाँ पे अगला एग्जाम्पल है, आई कुड स्कार्स बिलीव वॉट आई वॉज हियरिंग। तो आप इसे इस पिक्चर से रिलेट कर सकते हो। यहाँ पे एक रेगिस्तान है, वहाँ पे एक टैप है, टैप से सिर्फ एक बूंद पानी गिर रहा है, मतलब यहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा स्कार्सिटी है। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, लाइट, पुअर, मेगर, स्किम्प। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, अबंडेंट, एम्पल, प्लेंटीफुल। तो ये क्लियर है। अब चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। लास्ट वर्ड है हमारा अपेरेंट। ये एक एडजेक्टिव है। इसका मीनिंग क्या होता है, ईजी टू सी और अंडरस्टैंड, सीमिंग टू बी ट्रू बट पॉसिबली नॉट ट्रू। जब हम मैग्नीफाइंग ग्लास लगाकर किसी भी चीज़ को देखते हैं तो छोटा छोटा अगर लेटर लिखा हुआ है तो उसे हम ईजिली सी कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो इस पिक्चर से आप इसे रिलेट कर सकते हो। नाउन क्या हो जाएगा, अपेरेंटनेस। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, ही स्टार्टेड येलिंग एंड थ्रोइंग थिंग्स फॉर नो अपेरेंट रीजन। सिनोनिम हो जाएगा, अज्यूम्ड, एविडेंट, ऑस्टेंसिव, सपोज्ड। एंटोनिम क्या हो जाएगा, इनविजिबल, साइटलेस, व्यूलेस। तो ये क्लियर है। तो आज के इस क्लास में बस इतना ही। आप इस क्लास के PDF को डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।